शहर के बीटीआर रोड से लापता हुए युवक का शव शुक्रवार को नर्मदा नदी में बरामद हुआ है। परिजनों के मुताबिक मृतक मानसिक रोगी था। खलघाट पुल पर मिली स्कूटी से युवक की पहचान खरगोन बीटीआर रोड निवासी रुपेश के रूप में हुई है। खलटा का पुलिस की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के पिता रामदास ने बताया कि रुपेश पिछले 3 साल से मानसिक रोग से परेशान था। उसका कई अस्पतालों में उपचार कराया गया लेकिन स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं आया, इससे वह परेशान रहता था। शुक्रवार को खलटा का पुलिस से सूचना मिली थी कि जिस स्कूटी से उनके बेटे के घर से जाने की शिकायत दर्ज कराई थी वह स्कूटी खलघाट पुल पर मिली है। वहीं रुपेश का शव नदी से बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। काका, जो ये लाश मिली है क्या मामला था सर? सर, ये इसकी तबीयत मेंटल स्थिति थी, ये 3 साल से परेशान था। इसका इलाज वगैरह चल रहा है? हाँ, इलाज बहुत जगह इसका इलाज चला। इसका सूरत का भी है, किरण हॉस्पिटल का, अहमदाबाद का भी है, पार्थ हॉस्पिटल का, बॉम्बे का भी है। वो ग्रुप पे चल रहा था, वो इलाज भी उसने करवाया। 3 साल से विगत इसका इलाज चल रहा है, बाकी अभी तक सही हुआ नहीं। अच्छा, घर से भी जो गया बोल के नहीं गया था, ये कह रहा था कि यार ये मेरी तबीयत सही होती नहीं, हो जाएगी बेटा दवाई। कितने दिन से ये लापता था? ये 3 रोज से था। आपको कैसी जानकारी मिली कि आज ये खलटा का पुलिस चौकी के वहाँ से पुलिस वालों ने हमको ये सूचना दी कि आपका बालक और ये स्कूटी आपने जो ग्रुप पे डाली है ये आपके ही है, मेरे का, क्योंकि आप यहाँ आ जाओ। तो हम फिर गए। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? रुपेश। रुपेश, आपका क्या नाम है? रामदास। आप कौन हो मृतक के? मैं इनका पिताजी हूँ। निवासी कहाँ के? खरगोन। कौन सी जगह खरगोन? ये बीटीआई रोड, बीटीआई कॉलेज के सामने। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।